बहुत ही टैलेंटेड, मैच्योर्ड सी, ऑर्गेनाइज्ड सी और बहुत ही केयरिंग और डाउन टू अर्थ अक्षिता मुद्गल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो एक फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस है और जो हमेशा ये थॉट रखती है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे ही बहुत प्यारी सी क्यूट सी टेलीविजन एक्ट्रेस अक्षिता के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। अक्षिता का जन्म 9 जुलाई 2003 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके फादर का नाम जितेंद्र कुमार मुद्गल है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक मैनेजर थे। बात करें इनकी माँ की तो उनका नाम लता मुद्गल है और इनका एक बड़ा भाई भी है जो एक इवेंट मैनेजर है। साथ ही साथ अक्षिता अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अक्षिता मानती है कि वो आज भी हमेशा उनके साथ रहते हैं और उन्हें आशीर्वाद देती रहती हैं। और वो ये भी मानती है कि वो आज जहाँ भी है, जिस मुकाम पर है, वो अपने दादाजी की वजह से ही है। अक्षिता बताती है कि वो बचपन से काफी शरारती रही है, उन्हें मस्ती मजाक करने में काफी मजा आया करता था और वो अपने भाई के साथ काफी लड़ाइयाँ भी किया करती थी, जिससे उनके पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन वो बताती है कि वो साथ साथ अपने भाई से प्यार भी बहुत करती है। अक्षिता को काफी कम उम्र से ही डांस का काफी शौक था और यहाँ तक कि वो डांस की ट्रेनिंग भी लिया करती थी। इन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई आगरा से ही कंप्लीट की है, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई मुंबई से कंप्लीट की है। वहीं आपको बता दें, जब अक्षिता सिर्फ 9 साल की थी, तभी उन्हें जी टीवी के रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के सीजन 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और ये बतौर कंटेस्टेंट नजर भी आई थी। और इस शो में इन्होंने अपने कमाल के डांस से जजों को काफी इंटरटेन भी की थी और इन्होंने जजों का दिल भी जीत लिया था, जिसके बाद इन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और इसके बाद ही इनको काफी सारे टेलीविजन कॉमर्शियल्स और शोज में काम करने का मौका मिलने लगा। और इसके बाद अक्षिता लगभग 50 से भी ज्यादा एपिसोडिक शो क्राइम पेट्रोल में नजर आई थी और साल 2014 में ही ये कनाडा फिल्म में भी एक नजर आई थी। इसके साथ ही साथ इनको बैक टू बैक काफी सारे टेलीविजन सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, जैसे जिंदगी विंस, ये मोह मोह के धागे, हाफ मैरिज, मिटेगी लक्ष्मण रेखा, इन सब में ये अच्छे खासे कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आई थी। अक्षिता यही नहीं रुकी, बनके उनके लाइफ में और भी अच्छे दिन आए और वो साल 2015 में बॉलीवुड फिल्म्स में भी नजर आई। जी हाँ दोस्तों, वो मिस्टर एक्स और ब्रदर्स जैसे फिल्मों का भी हिस्सा रह चुकी है। इतने सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज में काम करने के बाद इनको काफी पहचान मिली। इसके बाद इन्हें सब टीवी के कॉमेडी सीरियल भाकड़वाड़ी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और ये कॉमेडी शो था और इसमें इन्होंने लीड कैरेक्टर प्ले किया था गायत्री ठक्कर गोखले का। और इस सीरियल से ही इन्हें इमेंस पॉपुलैरिटी मिली, जिन्हें लोग घर घर तक पहचानने लगे थे। इसके बाद इनको साल 2021 में सोनी टीवी के एक और पॉपुलर शो इस पर जोर नहीं में इश्क आहान का कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला और इस सीरियल में इनके ऑपोजिट नजर आए थे परम सिंह और इन दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी प्यार दिया था। इस शो को अक्षिता अपने लाइफ का लकीस्ट शो मानती है, क्योंकि वो कहती है इस शो से भी उन्हें काफी हद तक पहचान मिली है और वो कहती है कि इतनी छोटी सी उम्र से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और अभी तक का उनका सफर अच्छा ही रहा है। और साथ ही साथ वो बताती है वो अपने वर्क लाइफ के साथ अपने स्टडीज को भी काफी अच्छे से मैनेज की है। बात करें अक्षिता के लव लाइफ की, तो दोस्तों बता दें अक्षिता अनमैरिड है और ये अपने लाइफ में फिलहाल सिंगल ही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। अक्षिता बताती है कि वो अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करके और टी या कॉफी के साथ करती है। अक्षिता काफी रिलीजियस पर्सन है और वो कहीं भी जाने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद जरूर लेती है। ये आपको बता दे अक्षिता बहुत ही ज्यादा फूड लवर है और वो खुद को फूडी भी बताती है और इसीलिए वो हर तरह की डिलीशियस फूड को टेस्ट कर चुकी है। वही अक्षिता बताती है कि एक रीजन है जिसके वजह से उन्हें मुंबई से ज्यादा दिल्ली पसंद है, क्योंकि दिल्ली के चाट उनके फेवरेट है। वही अक्षिता को सोशल मीडिया पर वे एक्टिव रहना काफी पसंद है और वहाँ पर वो आए दिन अपने फोटोज वीडियो शेयर करती रहती है और अपने फैंस से जुड़ी रहती है। सो फ्रेंड्स, ये थी प्यारी सी अक्षिता मुद्गल की लाइफ स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।